नमस्कार, स्वागत करता हूँ आप सबको आपका अपना यूट्यूब चैनल मेम हित ब्लॉग में, जो अंकित भाई का चैनल है। दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि अंकित भाई के समय तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाने की वजह से अंकित भाई लोकेशन में नहीं आ पा रहे हैं, उस वजह से हम आ रहे हैं। मेरा भी चैनल है मोस्ट वांटेड। तो दोस्तों आप लोगों को बता दूं यहां की कुछ घटना के बारे में, जो कि आप लोगों को बताया था कल हम एक लोकेशन पर विजिट किए थे तो यहां पे एक समर का बोरिंग हो रहा था जो कि एक लड़की की कब्र पे हो गया था। जो लड़की की आत्मा आज भी वहां पे दिखती, लोगों को नजर आती, परेशान करती है। तो यहां पे कुछ लोग गांव के लोग सदस्य हैं हमारे साथ में, तो इनको भी साथ में लेके जा रहे हैं। और चाचा जी हैं हमारे साथ में, तो यहाँ पे मतलब देख रेख करते हैं, मटेरियल उतरा हुआ है कमर का। तो इन्होंने बताया कि यहाँ पे कल हम लोग जब से गए हैं यहाँ से तब से लोगों को काफी बहुत ज्यादा परेशान किया, क्योंकि कल काफी लोग यहाँ पे थे, कुछ यहाँ पे काम वाम करने वाले रुके थे, तो वो लोग रात ही में यहाँ से चले गए क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों को परेशान किया है। तो हम लोग फिर से इधर बुलाया गया है कि फिर से एक बार देखने के लिए, तो हम लोग आए हैं फिर से लोकेशन पे। तो दोस्तों ज्यादा टाइम आप लोगों को ना खराब करते हुए तो निकलते हैं लोकेशन की तरफ, बढ़ते हैं थोड़ा सा देखते हैं। और रिक्वेस्ट करते हैं आप लोगों से कि ज्यादा से ज्यादा लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो हम लोग चलते हैं लोकेशन की तरफ। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं लोकेशन पुरानी है, मगर खतरा बहुत ज्यादा आज यहाँ पे है, क्योंकि कल हम लोग आए थे तो बहुत ज्यादा खतरा बढ़ गया था, क्योंकि जो लड़कियों की आत्मा दिखती है आज बहुत ज्यादा एक्टिव है यहाँ पे। तो आप लोग देखिएगा, कभी भी इसको बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे, बढ़ते फिर बताते हैं आप लोगों को यहाँ की और कुछ रियल घटना है। हम लोग जब से गए थे तब से इधर कुछ ज्यादा परेशान कर रहे थे, इसीलिए तो तुमको बुलाया गया है। तुमको बुलाया गया है कि हम तो कल भाग गए थे। तो चाचा का कहना कि हम लोग जब से गए हैं तब से वो लोग बिल्कुल बहुत ज्यादा परेशान कर लिया उन लोगों को, तो इसलिए आज हम लोगों के पास फिर से फोन किया कि आके देख लो ऐसा क्या है यहाँ पे। हम लोग फिर से आए तो भाई अब फिर से एक बार देखेंगे वहाँ पे जाके एक्टिविटी नजर आती हम लोगों को, तो बढ़ते हैं फिर एक बार वहाँ के लिए विजिट करते हैं। वहाँ पे जहाँ पे अक्सर वो लड़कियाँ दिखाई देती हैं, और आप लोग देख सकते हो कि सारा मिट्टी खुदा पड़ा है चारों तरफ, क्योंकि काम इस समय बिल्कुल चालू हो गया है यहाँ का। और देखते हैं हम लोगों को अब भी कुछ नजर आएगा नहीं आएगा, तो हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे अभी। आप लोग वीडियो का स्किप मत कीजिएगा और पूरा वॉच कीजिएगा। बोरिंग हो चुकी, बाकी टंकियों की बनने के लिए आ गया पूरा मटेरियल, सरिया आया हुआ है, बाकी उधर पिलर का सामान आया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। और ये लोग कुछ लोग यहाँ पे रुकने के लिए आए हुए थे यहाँ पे, मगर सब लोग नहीं रुक पाए हैं क्योंकि कुछ खतरा बहुत ज्यादा इन लोगों को लगा, तो कुछ लोग चले गए यहाँ से। तो कुछ लोग यहाँ पे रुके हैं दो एक लोग, तो हम लोग देखते हैं और हम लोगों को क्या नजर आता है यहाँ पे। आइए भैया थोड़ा सा आगे। यही वो समर का बोरिंग है, इसी से पानी को मतलब यहाँ से सप्लाई किया जाएगा अगल बगल के 3-4 गांवों में। तो चाचा यहाँ पे काम कितने दिन से चल रहा है? लगभग 4-5 दिन से चल रहा है, मतलब बोरिंग बहुत पहले हो जा चुकी है, बाकी का सामान जो आया उसके बाद 4-5 दिन हो गया यहाँ पे काम चलते चलते, मगर काम ज्यादा तेजी से नहीं हो पा रहा, क्योंकि रात में भी लोग काम करने कर नहीं सकते, क्योंकि रात में बहुत ज्यादा खतरा हो जाता है यहाँ पे। वैसे लोग रात में कोई आदमी रुकता नहीं यहाँ से, सब रात में जाते हैं। चाचा का कहना रात में कोई भी यहाँ नहीं रुक पा रहा है, जबकि सामान वामान पड़ा हुआ है। वैसे 3-4 लोगों को रुकना चाहिए मगर नहीं रुक पा रहे हैं किसी वजह से, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा खतरा है, लड़कियों की आत्मा हमेशा इन लोगों को परेशान करती रहती है। तो थोड़ा सा और इधर और देखते हैं हम लोगों को क्या दिखता है।
दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि पूरी तरफ चारों तरफ जंगल का एरिया है, जंगल के एरिया के बीच में थोड़ा सा जगह थी जहाँ पे पानी की टंकी लग रही है। तो ये दोस्तों एक्टिविटी देखने को मिल रही है, हरकतें ऐसी नजर आ रही हैं हम लोगों को, शायद यहाँ है ऐसी एनर्जी। तो हम लोग थोड़ा सा और कोशिश करते हैं कि ये आ रहा है, वही है लड़की है, ये वही है। इधर कौन हो? वही लड़कियां हैं भैया, ये कौन है? हम लोग शायद कैमरे में अभी कैप्चर नहीं हो पा रहा हूँ, हम लोगों को ऐसा कुछ लग रहा है यहाँ पे कुछ है खतरा। कौन है भैया? वही लड़कियां हैं, वही है, वही है, दोनों है। पास में जाना, देखो जाना, बहुत क्यों लोगों को परेशान करते हो? काम क्यों नहीं करने देते हो? क्यों करोगे? क्यों करोगे? क्या चाहती हो? आपकी मुक्ति दिला देंगे, अगर लोगों को परेशान करोगे तो कैद करा देंगे तुमको। भाई कैमरे पे कैप्चर हो रहा है ना? हाँ वही दिख रहा है, साफ साफ देख सकते हो। लोग बहुत ज्यादा ही खतरनाक है, किसी को यहाँ पे नहीं रुकने दे रहे हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं बात करने की, चले जाए होती तो थोड़ा बुरा। यहाँ पे किसी को पता नहीं था कि वही लड़कियां आएंगी, जो भी आत्मा है। भाई कैमरा लगा उधर जरा एक बार, ये देखो सामने एकदम दिख रही है, भाई साफ साफ दिख रही है। हमेशा ये लोगों को बहुत ज्यादा परेशान, बहुत भैया कल से तो बहुत परेशान, ये यहाँ रुकने नहीं देती है। अच्छा दिन के टाइम में भी नजर आते हैं कि रात के टाइम भी खड़ी बिल्कुल भैया, चार बजे से चलना, चार बजे से। बताओ। हाँ हम लोग निकल जाएंगे, मगर किसी को परेशान मत करो, ठीक है? यहाँ पे काम हो जाने दो, क्यों परेशान करो? नजदीक मत जाना, तुम थोड़ा सा और कोशिश करते हैं इन लोगों से बात करने की, लोगों को परेशान ना करें। बताए बहुत करते हैं, एक बार कैमरा लगा दो भाई चारों तरफ, क्योंकि अभी सामने दिख रही थी मगर इस टाइम कुछ भी नजर नहीं आ रहा हम लोगों को। अरे निकलो भाई यहाँ से, भाई निकलो निकलो, भागो। बहुत ज्यादा खतरा। अरे भैया बहुत ऐसा भैया कल से कर रहे हैं, बहुत बिल्कुल पागल कैट हो गई।
कल से यही कर रही है। अच्छा हाँ, इसी में जैसे गायब हो जाए, बस इसी से गायब हो जाती, फिर पता ही नहीं चलता कहाँ गई। भाई संभल के चलना, डर लग रहा है। कुछ नहीं भैया, गायब हो जाती है। ये क्या पड़ा है भाई, ये देख क्या पड़ा है, वो क्या पड़ा है, अभी तो अभी बस जस्ट हम हमारे लोगों के आंखें सामने यहाँ पे आई थी। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, तो वो लोग क्या ऐसे कहाँ गायब हो जाते हैं। ओ भाई, पीछे से आवाज आ रही है। वो सामने क्या कर रही है, ये कर रही है, ऐसे भी दौड़ती है, ऐसे देखती है तो दौड़ती है, बहुत करने के लिए। यहाँ पिछले बार जो भी लोग रुके बोले, रात रात भर सोते नहीं थे, इसलिए यहाँ से उन लोगों को जाना पड़ा, क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा परेशान करते हैं लोगों को। तो थोड़ा सा अभी यहाँ से निकलते हैं, थोड़ा सा बाहर देख डाल के चलने के सामने। भाई निकल चलो यार यहाँ से, वो भाई ये क्या, वो वही है, ये देखो तो बस यही तरीके से करते हैं यार, क्या कर रही है। ये क्या कर रही है यार, तुम लोग क्या चाहती हो, बोलो, मैं नजदीक मत जाना, चेक कर देंगे। ये साफ साफ दिख रहा है, क्यों नहीं लग रही टंकी लगने का, क्यों नहीं लग रही। भैया ज्यादा पास मत जाओ, भैया वहाँ मत जाओ, भैया वहाँ मचा, बहुत खतरा है, पकड़ लेती हैं। अभी उसमें घुसा दिखाती नहीं थी, बाइक से पकड़ पास में गया तो तब भी नहीं दिख रहा था, इधर से दिख रही थी, और इधर क्या है ये सब, इधर भी ये सब सामान लगा है, टंकी वाला, हाँ यही सब सामान टंकी वाला लगा है, वो लग गई है, बोल रही भैया ज्यादा देर न रुको, अब कोई ऐसी व्यवस्था करना जो हमको दिखाएंगे, तो फिर बाबा बाबू को लेकर आना, हाँ कुछ तो करना पड़ेगा, तो लोग ऐसे मानेंगे नहीं, भैया तुम सुस्ती दिवा दोगे ना, हम पंच तो बहुत परेशान हो जाएंगे। चलो एक बार फिर से कोशिश करते हैं थोड़ा से बात करने की, और फिर यहाँ से निकलेंगे। अरे वो भाई तुम लोग नहीं मानोगे सर, तुम लोगों को कैद करा देंगे, कर क्या रही, कैसे चल रही है, देखो
पोहड़े पोहड़े चल रहे हैं। क्या कर रही थी? जाते हैं लोगों को देखते हैं ये लोग कहाँ तक जाएंगे और ज्यादा खतरा ना लेते हुए हम लोग ज्यादा पीछे मत जाओ, थोड़ा सा कोशिश करते हो लोगों से थोड़ा और बात करेंगे, ये लोगों से परेशान ना करें तो ज्यादा अच्छी बात है। अरे भैया यहाँ रुकने नहीं देते, देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत चारों तरफ से जंगल है, जंगल के बीच में एरिया है, इसलिए यहाँ पे बहुत ज्यादा खतरा रहता है। यहाँ पे इन शक्तियों के अलावा और भी मतलब जंगली जानवर भी हैं, तो हम लोग ज्यादा देर, अब काफी रात भी हो चुकी है तो हम लोग ज्यादा देर सर्वर नहीं कर सकते, तो हम लोग निकलते हैं और एक बार कोशिश करते हैं थोड़ा सा दिखाने की भाई। अभी तो यहाँ पे बिल्कुल कुछ भी नहीं, गायब हो जा चुका है जो कुछ है, और अगली बार जब भी आएंगे कोई किसी तांत्रिक बाबा को लेकर आएंगे और इन लोगों को मुक्त करा देंगे या फिर कैद करा देंगे, कुछ भी करेंगे, क्योंकि यहाँ पे काम बिल्कुल अभी अच्छी तरह से नहीं हो पा रहा है। तो भाई फिर से आवाज आई, पे जाती है ये जंगल में जा रही है, ये देखो ऐसी क्या कर रही है, ये तरफ ये जा रही है, क्या कर रहे हो तुम लोग, क्यों मारोगी? अरे भैया वहाँ मत जाना, नजदीक मत जाओ भैया, अरे कर देंगे भैया। क्या कर रहे हो तुम लोग? अच्छा आगे इधर क्या है, कंसान तो है क्या? हाँ भैया इधर है कंसान घाट, इधर है, इधर है तरफ जाती है, तो ये जब उधर को जा रही है गाड़ियों में खुद जाती है, जाती ज्यादा इन लोगों को पीछे जाना, पीछे जाना पीछे भैया ना जाओ, भैया पैक कर देंगे कहीं। तो इनके अलावा और भी इधर ऐसी कुछ एक्टिविटी होंगी, साथ ऐसी शक्तियां होंगी, तो हम लोग ज्यादा इन लोगों को पीछे नहीं जाते, इधर सामने रास्ते में कब्रिस्तान या संतान भी पड़ता है, तो हम लोग यहाँ से आप लेते हैं विदा। आप लोगों से निवेदन करते हैं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए आप लोगों से चाहते हैं अलविदा, अगली वीडियो में मिलते हैं फिर, तब तक के लिए देखते रहो।